हेलो, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स। मैं हूं आप लोग का निशान भी, और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एक और नए प्रोजेक्ट को। तो आप लोग को पहले ये मैं बता दूं कि हमने पावर बीआई के कंप्लीट लेक्चर्स कर लिए हैं, अब हम लोग प्रोजेक्ट की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने अमेजोन का कम्प्लीट 2 घंटे का यहाँ पर एंड टू एंड प्रोजेक्ट जो है वो देखा हुआ है। अब हम लोग जो है नेटफ्लिक्स का प्रोजेक्ट देखे हैं। नेटफ्लिक्स के प्रोजेक्ट के बाद हम लोग यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम लोग विराट कोहली जो है इंडिया के फेमस प्लेयर हैं क्रिकेट के, उनके कंप्लीट यहाँ पर इंडेक्स परफॉर्मेंस जो है ईयर बाय ईयर को यहाँ पे देखेंगे। जैसे 2022 से लेके यहाँ पर 2022 से लेके 2008 तक की जो परफॉर्मेंस है, इसके लिए मैंने यहाँ पर डैशबोर्ड को क्रिएट किया हुआ है। आज हम लोग इसको सीखेंगे, वो भी केस स्टडी के साथ सीखेंगे, और एक मेन जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको मैं आज आप लोग को यहाँ पे सॉल्व भी कराऊंगा। तो पहले यहाँ पर मैं आपको एक बार पीडीएफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग डैशबोर्ड का ओवरव्यू को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने 2018 के अंदर जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर जो मेरा पावर बीआई डैशबोर्ड है जो आज हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, इसके अंदर मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है रन बाय टॉप 5 ग्राउंड्स। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं विशाखापट्टनम ग्राउंड में टॉप रन क्या थे विराट कोहली के, सिडनी में टॉप रन क्या थे। ये टॉप 5 ग्राउंड के अकॉर्डिंग 2018 की परफॉर्मेंस यहाँ पे शो हो रही है। वैसे यदि मैं 2020 में क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे रन बाय टॉप 5 ग्राउंड में सिडनी के अंदर 235 रन स्कोर किया था विराट कोहली ने 2020 के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं परफॉर्मेंस बाय ग्राउंड्स, राजकोट, सिडनी, वानखेड़े स्टेडियम और अपोनेंट टीम्स को। उसी के साथ साथ यहाँ पर स्कॉलर के अंदर मैंने यहाँ पे मैक्सिमम रन और अपोनेंट टीम दिखाए। और 2020 के अंदर यदि मैं देखूं तो यहाँ पर 24 मैचेस विराट कोहली ने खेले, एवरेज रन रेट 35.08 का था, और यहाँ पर क्वार्टर वाइज और मंथ वाइज जो हम लोग यहाँ पे रन को शो कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ईयर ऑन ईयर जो है डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हम लोग पहले एक पीडीएफ आपको इस वीडियो के साथ मिलेगा, पहले उस पीडीएफ को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे आप लोग को यहाँ पर एक पीडीएफ शो हो रहा है, इस पीडीएफ में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आप लोग को यहाँ पर जो डेटा सेट है ये डेटा सेट प्रोवाइड कर दूंगा। ये डेटा सेट का लिंक है, आप लोग यहाँ से डेटा सेट को डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर 4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगा आप लोग यहाँ पर देखिए। प्रॉब्लम नंबर 1 जो आज हम लोग यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे वो ये होगा, एनालिसिस ऑफ विराट टॉप 5 ग्राउंड परफॉर्मेंस इन द ईयर 2021। मतलब हम लोग ग्राउंड की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग विराट के जो टॉप 5 जो परफॉर्मेंस है ईयर 2021 के, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एनालाइजिंग विराट बैटिंग परफॉर्मेंस डेटा एंड शो ग्रेट परफॉर्मेंस मंथली एंड क्वार्टरली एंड ईयर इन 2018 का हम लोगों को कंप्लीट डेटा सेट में से देखना है कि विराट की जो परफॉर्मेंस है उसमें ग्रेट परफॉर्मेंस क्या है मंथ वाइज और हमारे क्वार्टर वाइज। ओके, इसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। थर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि जो हमारे अपोजिशन टीम है, उस अपोजिशन टीम में टॉप 5 बैटिंग परफॉर्मेंस क्या रही है 2021 के, वो हम लोग इस डेटा के अंदर एनालिसिस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4 जो है, हाउ मेनी क्रिकेटेड मैच विराट प्ले फॉर इंडिया इन द ईयर 2020 17 18 19 एंड 20। ये प्रॉब्लम भी हम लोग देखेंगे कि विराट कोहली ने 17 18 19 और 20 के अंदर कौन-कौन से मैचेस यहां पे देखे हैं। अब हम लोग को ये जो स्टेटमेंट है, ये जो आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इस स्टेटमेंट को एक-एक करके हम लोग यहां पे जो है रिप्रेजेंट करेंगे। आप लोग ध्यान रखिए, अभी मैं आप लोग को यहाँ पे पावर बीआई जो है वो पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंदर हम लोग विदाउट कोड के या फिर विदाउट एसक्यूएल के कंप्लीट इस डैशबोर्ड को बनाएंगे, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसका आउटपुट जो है हम लोग को यहाँ पर देखना है। तो इस डैशबोर्ड से हम लोग आउटपुट देखेंगे, जिसमें हम लोग जो कोडिंग है ठीक है वो हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को जब हम लोग एसक्यूएल पढ़ेंगे तो सिंटेक्स के थ्रू भी इसी डेटा सेट पे मैं काम करवाऊंगा, और ये क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है वो भी यहाँ पे हम लोग आउटपुट करके देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे पाइथन जब पढ़ेंगे और पाइथन के साथ भी हम लोग इसको जो है करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक बार इस डैशबोर्ड को ओवरव्यू कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। सो चलिए, यहाँ पर मैंने पावर बीआई सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्लाइजर यूज किया है। आप लोग को दिख रहा है ये स्लाइजर का आइकन है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे जो है जो मेरा जो बार चार्ट है उसको यूज किया है। यहाँ पर मैंने मल्टीपल कार्ड को यूज किया है, ये मैंने स्कॉलर यूज किया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक ही प्रीमियम वर्जन है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉगिन करके रखा हुआ है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे स्कॉलर यूज किया है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे कार्ड यूज किया है, मल्टी रो कार्ड यूज किया, और उसी के साथ यहाँ पे मैंने स्लाइजर यूज किया है। ये सारे छोटे छोटे फंक्शंस को मैं आप लोग को यहाँ पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है पढ़ के रखी हुई है, जिसके अंदर हम लोग सारे के सारे इन फंक्शंस को देख लिए हैं।
अब हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो नए व्यूवर्स हैं, जो नए फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोग को यहाँ पे अपडेट दे देता हूँ कि आप लोग पहले जाकर एक प्लेलिस्ट को फॉलो अप कर लीजिए जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं इसे आप लोग को यहाँ पे शो भी कर देता हूँ। आपको सबसे पहले जाकर हमारे यूट्यूब चैनल में या फिर यूट्यूब के अंदर आप IHHPET लिखेंगे तो आप लोग को यहाँ पर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, जिसकी प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग यहाँ देख सकते हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स बिगनर टू एडवांस आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा है। इस प्लेलिस्ट को जैसे ही आप लोग यहाँ पे ऑन करेंगे, जैसे ही आप ओपन करेंगे इस प्लेलिस्ट को, या फिर हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर भी मैं यहाँ पे SQL के जो प्लेलिस्ट है वो भी अपडेट कर दूंगा और सारे के सारे डेटा एनालिस्ट की प्लेलिस्ट को भी अपडेट कर दूंगा, जो आपको लिंक में हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सारे के सारे, जैसे हम लोगों ने लास्ट नेटफ्लिक्स का डैशबोर्ड बनाया था, एक प्रोजेक्ट यहाँ पे किया था, उसी तरीके से हम लोगों ने इस प्लेलिस्ट के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट और कई सारे फंक्शंस को देख लिए हैं। इसलिए बेसिक जो फंक्शंस है उसको मैं यहाँ पे जो है रिपीट नहीं करूंगा। हमारे को यहाँ पर जो है इससे पहले सारी की सारी प्लेलिस्ट देख लेना है या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को पावर बीआई के क्लियर होने चाहिए। तो आप लोग इससे पहले अमेजोन का जो डैशबोर्ड है वो देख सकते हैं, 2 घंटे से ज्यादा का ये एंड टू एंड प्रोजेक्ट था। उसके बाद ये नेटफ्लिक्स का प्रोजेक्ट हमने किया और अभी हम लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट को। देखिए यहाँ पर पावर बीआई के अंदर हम लोगों ने इससे पहले जो प्रोजेक्ट्स किया हुआ है उसके अंदर हम लोगों ने जो इम्पोर्ट किया है अपने डेटा को, जिसको हम लोग यहाँ पे लोड या फिर ट्रांसफॉर्म करना कहते हैं डेटा को, जिसको हम लोग एक ETL प्रोसेस भी कह सकते हैं, ये जो हमने डेटा को अपलोड किया है यहाँ पर, वो हमने इससे पहले जो भी डेटा को यूज किया था वो डायरेक्ट हम लोगों ने CSV या Excel फाइल को डायरेक्ट इम्पोर्ट कर लिया था। लेकिन यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में नया आपको ये भी देखने मिलेगा जो लास्ट 2 प्रोजेक्ट में हमने नहीं किया है, जो सबसे पहले डेटा जो है मैं आपको MySQL सर्वर के अंदर डेटा को अपलोड करूंगा, उसके बाद उस डेटा को मतलब मैं इंपोर्ट कह सकता हूँ उसको, अपलोड की जगह मैं वहां पे इंपोर्ट करूंगा डेटा को और उस SQL सर्वर को MySQL सर्वर को के डेटा को मैं पावर बीआई के अंदर यहाँ पर कनेक्ट करूंगा, जिससे कि आपको यहाँ पर डेटा को केवल और केवल एक्सेल फाइल से इम्पोर्ट करना ही ना है, आपको यहाँ पर डायरेक्ट SQL सर्वर से डेटा को कनेक्ट करना भी है। सो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर जो डेटा सेट है जो मैं अभी आप लोग को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये डेटा सेट यहाँ पे ऑलरेडी जो है लोड हो चुका है, जिसकी मैं आपको यहाँ पे CSV फाइल भी दिखा देता हूँ। ये CSV फाइल आप लोग यहाँ देख रहे हैं, इंडेक्स है, रन है, अपोनेंट जो टीम है वो यहाँ पे शो हो रही है, जो विराट कोहली का जो परफॉर्मेंस है, ये डेटा सेट को आपको डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे PDF में मिल जाएगा या फिर एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर भी आप लोग को ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे क्लीन डेटा भी प्रोवाइड कर दूंगा एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर। तो इस तरीके से आप लोग को ये जो डेटा सेट है इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है और इस डेटा सेट को डाउनलोड करने के बाद आप डायरेक्ट इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि पिछले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया है। लेकिन आज के लेक्चर में आपको MySQL के अंदर इस डेटा को यहाँ पर पहले इम्पोर्ट करूंगा एक स्कीमा बनाकर और उसके बाद मैं MySQL का जो डेटा है वहां से उस डेटा को यहाँ पर जो है ट्रांसफॉर्म करूंगा और लोड करूंगा अपने पावर बीआई सॉफ्टवेयर के अंदर। सो इस तरह से आप सबसे पहले अपने पावर बीआई सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलता है, इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल और इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम SQL सर्वर। हम लोगों ने इससे पहले के प्रोजेक्ट में जो स्टार्ट किया है वो डायरेक्ट ही डायरेक्ट डेटा को यहाँ पर जो एक्सेल के थ्रू इम्पोर्ट किया हुआ है। आप लोग को डेटा सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। डेटा आपको कैसे मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। आपको ये PDF ओपन करना है, ये लिंक आपको यहाँ पे शो रहा है, इस लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे डेटा सेट को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको मैंने एक वेबसाइट का जो लिंक है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है और जो हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को देख रहे हैं आप लोग को डायरेक्ट वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये प्रॉब्लम जो हमारे 4 स्टेटमेंट है जिसको आज हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना है इस डैशबोर्ड को क्रिएट करते करते, वो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के आउटपुट को यहाँ पे शो कर दिया है। ये चारों के चारों प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आज इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके आउटपुट आप लोग देख सकते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 के 2 के ये आउटपुट हैं, ये 3 के आउटपुट है, उसके बाद यहाँ पे 4 के आउटपुट हैं। इसी तरीके से आप लोग को इस नोट्स में नीचे नेटफ्लिक्स का भी जो है आपको यहाँ पे कोड मिल जाएगा, जो हमारा जो कोड है पाइथन का कोड है और यहाँ पे नेटफ्लिक्स में भी हमने 2 केस स्टडी की थी, हाईएस्ट और लोवेस्ट स्टॉक प्राइस के। तो यहाँ पर आप ये नोट्स जो है इसे डाउनलोड कर लीजिए और हमारा जो डेटा सेट है उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। एक बार डेटा सेट को डाउनलोड करने के बाद हमको क्या करना है, ये जो हमारा गेट डेटा है आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा ऑप्शन, इस गेट डेटा में आपको जाना है मोर के अंदर। मोर के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों को जो SQL MySQL का जो ऑप्शन मिलता है, देखिए SQL के अंदर यदि आप एक डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो SQL के अंदर अधिकतर जो डिमांड है MySQL की डिमांड होती है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे PostgreSQL को भी सीखेंगे, कुछ प्रोजेक्ट हम लोग PostgreSQL के साथ भी करेंगे, मैं जैम सर्वर के साथ भी आप लोग को SQL पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको जो भी इंडस्ट्री की डिमांड है उसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे MySQL जो है इसके अंदर मुझे प्रोजेक्ट एड ऑन करना है, तो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है MySQL डेटाबेस, आप लोग को यहाँ पे MySQL डेटाबेस जो है शो हो रहा होगा, जस्ट ए मिनट में यहाँ पे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये आप लोग को यहाँ पे MySQL डेटाबेस शो हो रहा है।
यहाँ पर हम लोग को जो डेटा है उसको यहाँ पे हमारे MySQL सर्वर से कनेक्ट करना है, जिसके लिए आपके सॉफ्टवेयर में पहले से MySQL जो है इंस्टॉल होना चाहिए। यदि इंस्टॉल नहीं है तो कैसे इंस्टॉल करना है ये भी मैंने प्लेलिस्ट के अंदर बता दिया है SQL की, तो आप उसे देख लीजिएगा। और जो डायरेक्ट यहाँ पर जो डेटा है उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली जाके यहाँ पर CSV फाइल को ओपन करेंगे और डायरेक्टली CSV फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ चाहता हूँ कि आप लोग एक और स्टेप को आगे बढ़े, जो भी हम लोग लास्ट प्रोजेक्ट में किए थे डायरेक्ट यहाँ पर इंपोर्ट कर दिए थे, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर SQL सर्वर से इंपोर्ट करेंगे। तो आप लोग यदि डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे जाना चाहते हैं और आप लोग को यहाँ पे SQL सर्वर से कनेक्ट नहीं करना है तो आप डायरेक्टली डेटा को डाउनलोड करके CSV फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं और हमारे डैशबोर्ड का क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे MySQL जो वर्कबेंच है उसे इंस्टॉल कर लिया होगा, या पहले से आपके पास इंस्टॉल होगा तो आप इसे ओपन कर लीजिए। आप यहाँ पे MySQL वर्कबेंच को जैसे ओपन करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे लोकल इंसिस्ट MySQL दिख रहा है, रूट आपने पहले से बना लिया होगा लोकल होस्ट का, इसको आप ओपन कर लीजिएगा। सो यहाँ पर आपका वर्कबेंच ओपन हो चुका है। वर्कबेंच जब ओपन हो जाता है तो आपको क्या करना है, ये जो आप लोग को यहाँ पे स्कीमा दिख रहा है, यहाँ पर हम सबसे पहले हम लोग स्कीमा को क्रिएट कर लेते हैं। स्कीमा होता क्या है ये सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर हमारे प्लेलिस्ट के अंदर, इसलिए मैं वापस इसे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको जाना है, अपनी माउस की हेल्प से लेफ्ट की जो है उसको प्रेस करना है और यहाँ पर क्रिएट स्कीमा आप लोग को यहाँ पे पॉपअप में शो हो जाता है। दूसरा ऑप्शन आप लोग को यहाँ पर भी मिल जाता है क्रिएट ए न्यू स्कीमा का, ये सिम्बॉल आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्रिएट स्कीमा को क्लिक करता हूँ। जैसे ही यहाँ पर क्रिएट स्कीमा ओपन हो रहा है, मैं यहाँ पे जो स्कीमा का जो नाम है विराट जो है नाम है मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जिससे कि मेरा यहाँ पे जो डेटाबेस है उसका नाम यहाँ पे क्रिएट हो जाए। यहाँ पर आप लोग को नाम यहाँ पे टाइप कर देना है, जो भी आप स्कीमा का नाम रखना चाहते हैं, और अप्लाई पे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जो पॉपअप ओपन होगा इसके अंदर आपको SQL स्क्रिप्ट नहीं लिखना है, आपने डायरेक्टली यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू स्कीमा बना लिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं रिफ्रेश ऑल कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे विराट जो है यहाँ पे मेरा जो डेटाबेस का जो नाम है यहाँ पे शो हो चुका है। अब हमको क्या करना है, इस स्कीमा के अंदर जो है मुझे जो है एड ऑन करना है। क्या एड ऑन करना है इस स्कीमा के अंदर, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाते हैं, मुझे जो डेटा है जो मेरा टेबल है उसको एड ऑन करना है। तो उसको एड ऑन करने के लिए आप देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये टेबल पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टेबल मेरा लोडेड नहीं है, जबकि मैं इसके पहले नेटफ्लिक्स वाला जो स्टॉक है इसको ओपन करता हूँ, इस टेबल पे क्लिक करता हूँ और टेबल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जो है नेटफ्लिक्स का स्टॉक प्रिडिक्शन जो है देख लेता हूँ, यहाँ पे जो डेटा है वो लोडेड है। आप इस तरीके से यहाँ पे जो डेटा है उसको देख सकते हैं, आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे भी डेटा को एड ऑन करना है। तो सबसे पहले मैं विराट वाला जो ऑप्शन है जो नया स्कीमा बनाया हुआ है इसके अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पर आप देखिए जैसे ही मैं इस सेक्शन पे सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, नेटफ्लिक्स के प्रिडिक्शन वाला जो मेरा जो डैशबोर्ड था उसको, जिससे कि आप लोग कन्फ्यूज ना हो, मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे विराट वाला जो सेक्शन है इसके अंदर जाना है आपको, यहाँ पर आप जब जाएंगे तो आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा टेबल डेटा विजार्ड इंपोर्ट विजार्ड। आप लोग को यहाँ पे जो डेटा है उसको टेबल के थ्रू एक एक करके क्रिएट नहीं करना है, आप लोग को यहाँ पे इम्पोर्ट करना है। तो इस ऑप्शन को मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। सो आप लोग को यहाँ पे जो पाथ है इस पाथ पे क्लिक करना है और मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये डेटा का नाम है कोहली ODI मतलब वन डे T20 के स्टैटिक्स, इसको मैं ओपन करता हूँ। जो मेरी CSV फाइल है, CSV का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमा सेपरेट वैल्यू, ओके, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ये फाइल आपको कहाँ मिल जाएगी मैंने बता दिया है, हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आप लोग को जो PDF है उसमें मिल जाएगी। आपको यहाँ पे इसको जो है विराट के अंदर आपको रखना है टेबल को और ये आपके जो स्टैक्स के जो नाम है जो डेटा का नाम है वो हम लोग मैं बाय डिफॉल्ट जो है वो यही है यहाँ पे रहने देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे पूरा के पूरा जो डेटा है मेरे को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे इंटीजर और टेक्स्ट वैल्यू कौन कौन सी वो यहाँ पे शो जा रहा है। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इसको, नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और इस तरीके से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और मेरा जो डेटा यहाँ पे इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। एक बार डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि डेटा सक्सेसफुली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाए, उसके बाद हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे हमारे जो पावर बीआई सॉफ्टवेयर है उसके साथ। अब आप देखिए मैं वापस से जो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश ऑल बटन पे क्लिक करता हूँ और इस टेबल के अंदर हम लोग जाते हैं। अब टेबल के अंदर देखिए यहाँ पे कोहली ODI T20 स्टैक्स जो है यहाँ पे शो हो रहा है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए जो सिम्बॉल बना हुआ है आपको टेबल का सिम्बॉल, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिए पूरा की पूरा डेटा यहाँ पे लोड हो चुका है। इसका ये मतलब है कि हमने अपने MySQL वर्कबेंच के अंदर एक लोकल सर्वर बना लिया है। अब इस लोकल सर्वर को हमको कनेक्ट करना है अपने पावर बी आई सॉफ्टवेयर के अंदर, वो हम लोग देखते हैं। यहाँ तक हमारा काम हो गया, हम लोग एक काम करते हैं इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। इसको मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है गेट डेटा पे, अपने पावर बी आई सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे मोर पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं मोर पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो आप लोग को और भी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे हमारे पास जो डेटा है उसको इंपोर्ट करने के लिए, अदरवाइज तो आप डायरेक्टली हमारे CSV फाइल को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं।
मैं यहाँ पर माई स्कूल से कनेक्टेड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट दो प्रोजेक्ट के अंदर मैंने इसको नहीं बताया था, अब हम लोग यहाँ पर इसको यूज करेंगे। तो आप लोग को यहाँ पे माई स्कूल लिखना है। अब जैसे माई स्कूल लिखेंगे तो आप लोग को यहाँ पे माई स्कूल डेटाबेस ओपन हो रहा है, इसको मैं यहाँ पे जो है ओपन कर लेता हूँ, जो क्लिक कर लेता हूँ एक्चुअल में। इसको ऐसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक पॉपअप आपका ओपन हो जाएगा। सो आप लोग यहाँ देख सकते हैं पॉपअप मेरा ओपन हो चुका है माई स्कूल डेटाबेस। इसको हम लोग एक पाथ वाइज पाथ ना जाके डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट कैसे कर रहे हैं वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। मुझे यहाँ पे लोकल होस्ट लिखना है, मैंने लोकल होस्ट यहाँ पे लिख लिया। अब डेटाबेस के अंदर जाना है, मैं वही डेटाबेस का नाम लिख रहा हूँ जो मैंने वहां पे स्कीमा के अंदर लिखा था। मैंने यहाँ पे विराट लिख दिया जो मेरा स्मॉल में था। ओके, इसको मैं क्लिक करके ओके पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए मेरा डायरेक्ट जो डेटाबेस है एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा, जो मेरा MySQL का सर्वर है उससे कनेक्ट हो जाएगा। कुछ तरीके वो भी होते हैं जिसमें मैं अपने सिस्टम के अंदर एक जो पाथ है जहां पर मेरी फाइल रखी हुई है उसका एक पाथ फोल्डर बनाऊंगा और पाथ फोल्डर के थ्रू इसको कनेक्ट करूंगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट मैं लोकल सर्वर से कैसे कनेक्ट करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं मैंने लोकल होस्ट लिख दिया है और डेटाबेस का यहाँ पे नाम डाल दिया है और मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एक बार ओके पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई भी चीजों को मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, डायरेक्ट पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग चल रहे हैं। आप देखिए वो जो लोडिंग का टाइम है मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि मेरा जो डेटा है वो अभी कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए जो आप लोग के कंप्यूटर की स्पीड के अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे जो है शो होगा। तो ये डेटा मेरा लोड होना स्टार्ट हो चुका है। अब ये देखिए यहाँ पर मेरा जो डेटा है ये आप लोग देख सकते हैं लोकल होस्ट के अंदर जो हमने वहां पे टेबल बनाया हुआ था, ये आपका जो टेबल है ये टेबल आप लोग का यहाँ पे लोड हो चुका है पावर बीआई के अंदर। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ETL। ETL सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट की जॉब के लिए। ये बहुत बड़े लेवल में होता है, मैंने केवल आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल दिखाया है। ETL, ETL का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सट्रैक्ट करना डेटा को, ठीक है। टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म करना डेटा को। एल का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे लोड करना, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर आपका जो डेटा है हमने एक्सट्रैक्ट करके लाया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखा रहा है, लोड का और ट्रांसफॉर्म डेटा को, डेटा का। तो ये जो ETL का प्रोसेस होता है, डेटा साइंस की जो लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर ETL का प्रोसेस एक छोटा सा एग्जाम्पल आप इसी से समझ सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने डेटा को ट्रांसफॉर्म करके भी देख सकते हैं यहाँ पर, लोड करके भी देख सकते हैं। तो एक्सट्रैक्ट का तो हमने काम कर लिया, ट्रांसफॉर्म लोड पे देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर हम लोग जो है ट्रांसफॉर्म जो डेटा है ये इसको एक बार क्लिक करते हैं। मैंने अभी लोड डेटा पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ। ई का फुल फॉर्म आपने समझ गया एक्सट्रैक्ट, टी का फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्म। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर जैसे मैं ट्रांसफॉर्म क्लिक करता हूँ अपने पावर बीआई के अंदर, तो यहाँ पर मेरे पास पावर क्वारी एडिटर ओपन हो जाता है। पावर क्वारी एडिटर क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग पावर क्वारीज लिखते हैं और कोई डेटा को क्लीन करना होता है, डेटा रॉ डेटा में से कई सारे डेटा को मर्ज करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसके बाद हम लोग डेटा को लोड करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको ही हम लोग ETL प्रोसेस कहते हैं। तो लेकिन अभी हम लोग जो डेटा यूज कर रहे हैं, आप इनिशियल लेवल में, तो आप लोग का ये जो डेटा है वो एकदम क्लीन डेटा है और आप लोग की जो कमांड अभी SQL के अंदर अच्छी तरीके से नहीं हुई होगी या पावर क्वेरी एडिटर में बहुत ज्यादा वर्क नहीं किए होंगे, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा ETL प्रोसेस को नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग को डेटा को ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, यहाँ पर आप यदि ट्रांसफॉर्म करना होता तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को प्रोसेस करते हैं। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर को क्लोज कर दे रहे हैं। पावर क्वेरी एडिटर आपको पावर बीआई सॉफ्टवेयर के साथ ही मिल जाता है। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लोड पे क्लिक करेंगे। हम लोग एक बार जाते हैं और इसके लोड पे जो है क्लिक कर देते हैं। सो इस तरह से हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे लोड हो जाएगा और हम लोग यहाँ पे जो वर्क है अपने स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि आप यहाँ पे इम्पोर्ट करना चाहते हैं फाइल को डायरेक्ट एक्सेल के फॉर्मेट में या CSV के फॉर्मेट में, वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, जिससे कि आप यहाँ पे MySQL के साथ वर्क नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आप यहाँ पे डेटा को आप एक साथ यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो डेटा है एक बार लोड हो जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं ये जो आपका जो डेटा लोड हो जाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से शो करेगा। लेकिन यदि आप इसको SQL के थ्रू यहाँ पे लोड नहीं करना चाहते हैं, और आप ध्यान रखिए SQL सर्वर से आप कनेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि कल को आप वेब सर्वर से कनेक्ट करें या किसी और सर्वर से कनेक्ट करें, जो भी चेंजेस आपके सर्वर में आएंगे उस डेटा में वो आपके पूरे के पूरे इस सर्वर में, यदि मैं कोई भी चेंजेस यहाँ पे करूँ विराट कोहली के रन पे या कोई और यहाँ पे इनपुट पे चेंजेस करूँ तो वो आपके वहां पर रिजल्ट के आउटपुट में भी चेंजेस होंगे। दैट्स वाई आपको मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप यहाँ पे जो है ज्यादा से ज्यादा जो चीजों को जो है SQL के साथ कनेक्ट करते हुए सीखें। लेकिन यदि आप यहाँ पर डायरेक्ट डेटा को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जैसे पहले हम लोगों ने किया हुआ है। आपको मोर के अंदर जाना है,
यदि आपका डेटा एक्सेल के अंदर है तो आप एक्सेल की फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन जो डेटा मैंने आज आपको प्रोवाइड किया हुआ है वो सीएसवी फाइल के अंदर है, तो आप लोग को यहाँ पे जाना है, क्योंकि आप एक्सेल वर्कबुक को सिलेक्ट करेंगे तो मे बी यहाँ पर आपको कुछ एरर शो होगा डेटा को लोड करने के लिए। दैट्स वाई मैं यहाँ पर आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, सीएसवी लिखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट सीएसवी का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे शो भी हो रहा है ऊपर में, मैं फिर भी यहाँ पे सीएसवी लिख देता हूँ। तो आप लोग को सीएसवी लिखने के बाद यहाँ ओपन करेंगे आप, उसके बाद यहाँ पे आप सीएसवी फाइल को डबल क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर कुछ नहीं, केवल और केवल जो हमारी जो डाउनलोडेड फाइल है उसको यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेना है और उस डाउनलोडेड फाइल को जो है यहाँ पे लोड कर देना है। इस तरीके से हम लोग डेटा को यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और यहाँ पे लोड कर लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे जो हमारा जो पावर बी आई सॉफ्टवेयर है उसके अंदर डैशबोर्ड के क्रिएशन पे। सो चलिए एक बार यहाँ पर हमारा जो डेटा है लोड हो जाता है, हमारा डेटा एक बार पावर बी आई सॉफ्टवेयर के अंदर लोड हो जाता है तो हम लोग फोकस करते हैं अपने इस डैशबोर्ड के ऊपर। इस डैशबोर्ड के अंदर हम लोगों को ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है 1, 2, 3 और 4 इसको हम लोग को सॉल्व करना है। आप ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपको ये जो डेटा जो सेट यूज करना है वो मान लीजिए बीसीसीआई के ऊपर, बीसीसीआई के लिए आप लोग को यहाँ पे करना है, या फिर मान लीजिए जो टीम के जो सेलेक्टर हैं प्लेयर हैं, या फिर मान लीजिए जो कोच है, जो इंडिया टीम के जो कोच हैं, ठीक है, उनके लिए आप लोग को यहाँ पे जो डेटा है उसको यहाँ पे एनालिसिस करके बताना है। आपको सामने से जो स्टेटमेंट है वो ये 4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिली हुई है जिसमें हम लोग को पावर बी आई सॉफ्टवेयर के अंदर या फिर किसी भी डेटा एनालिस्ट होने के नाते यहाँ पर जो है एक अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस इंडेक्स को दिखाना है। तो ये इंडेक्स हम लोग बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन यदि इंटरव्यू में आप कभी भी इंटरव्यू देने जाते हैं और आप लोग को इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 मिली हुई है कि भाई आपको तो डेटा सेट मिल गया है, आप इस डेटा सेट को एसक्यूएल के अंदर, या फिर यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल सकता है आपको पाइथन के अंदर, यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल सकता है आपको मान लीजिए जो विजुअलाइजेशन टूल्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए पावर बीआई यूज कर रहे हैं या फिर हम लोग यहाँ पे टैबलू यूज कर रहे हैं, तो आप लोग को यहाँ पर किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मिल सकता है। तो हम लोग यहाँ पे आउटपुट देखेंगे, आउटपुट हमको क्या मिलना है, 2021 में विराट कोहली का जो रन का जो परफॉर्मेंस था, ये आपको रन के परफॉर्मेंस के आउटपुट यहाँ पे मिलने चाहिए। तो हम लोग डैशबोर्ड को यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जिसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर देखते जाइए मुझे क्या करना है, यहाँ पे रन्स और यहाँ पे ग्राउंड आप लोग को शो करना है। तो हम लोग ये जो डेटा है इसके थ्रू यहाँ से निकाल लेंगे, ओके, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। वैसे सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोलता है यहाँ पे कि एनालाइज करना है हम लोग को विराट की बैटिंग परफॉर्मेंस और शो करना है ग्रेट परफॉर्मेंस मंथली क्वार्टरली और ईयरली वाइज, ओके, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हम लोगों ने यहाँ पर जो है बना लिया है, इसको भी हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट होगा हमारा ये, सेकंड पार्ट होगा हमारा ये, जिससे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे बना सके। इससे पहले हम लोग यहाँ पे स्लाइजर बनाएंगे, ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे थर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि अपोजिट टीम जो है उसमें टॉप 5 बैटिंग परफॉर्मेंस को हम लोग को 2021 ईयर की देखना है, जिसका आउटपुट हम लोग को ये मिलना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 3 देखते हैं, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमम रन जो है अपोनेंट टीम के यहाँ शो कर देंगे। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 4 क्या कहता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 4 ये कहता है हम लोगों को कि हाउ मेनी क्रिकेट मैचेस डिड विराट प्ले फॉर इंडिया इन द ईयर 2017-18, 19 and 20, मतलब 2017-18, 19, 20 के अंदर विराट ने 52, 47, 46 और 24 मैचेस खेले हैं, ठीक है, वो आउटपुट हम लोग को यहाँ पे शो करना है। वो भी हम लोग यहाँ पर जो है ये अपोनेंट मैच के कार्ड के थ्रू यहाँ पे शो कर देंगे। इस तरीके से हम लोग सारे के सारे डेटा को यहाँ पे एनालिसिस भी करते जाएंगे और इस डैशबोर्ड का क्रिएशन भी सीखेंगे। अब आप लोग ये देखिए कि हम लोग जो है जो स्टेप को हम लोग फॉलो कर चुके हैं, हम लोगों ने प्रिपेयर कर चुका है डेटा को, हम लोग सारे के सारे कॉलम को यहाँ देख चुके हैं, रिव्यू कर चुके हैं, इंपोर्ट कर चुके हैं एसक्यूएल वर्कबेंच के अंदर, कनेक्ट कर चुके हैं और डेटा को यहाँ पे सक्सेसफुली जो है ट्रांसफॉर्म भी कर चुके हैं और लोड भी कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। इसी प्रोसेस को मैं आप लोग को इस डैशबोर्ड के अंदर या फिर इस प्रोजेक्ट के अंदर समझाना चाह रहा था। लास्ट जो प्रोजेक्ट हमने किए, मैं बार बार कह रहा हूँ, अमेजोन का जो प्रोजेक्ट किया है हम लोगों ने, उसको आप देख लीजिएगा, ये 2 आवर्स का है। इसके अंदर मैंने एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक यहाँ पर सिखाया है आपको एंड टू एंड प्रोजेक्ट। उसी के साथ हम लोग नेटफ्लिक्स के अंदर जो किया है वो भी हम लोगों ने 2 केस स्टडी को किया हुआ है, लेकिन वहां पे जो डेटा है वो मैंने एसक्यूएल के साथ यहाँ पर आप लोगों को कनेक्ट करना नहीं सिखाया था, डायरेक्ट इंपोर्ट करना सिखाया था। तो हम लोग यहाँ पर अब पावर बी आई सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और यहाँ पर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले क्या क्रिएट करते हैं हम लोग यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग इसके अंदर जो बनाएंगे यहाँ पर ये बनाएंगे स्लाइजर को, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टॉप जो रन है 5 ग्राउंड के जो रन है टॉप 5 ग्राउंड के, वो हम लोग यहाँ पे इसको बनाएंगे और इन दोनों के थ्रू हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 1 जो है हमारी मैच कर रही है या फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट का आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है।
सो यहाँ पर जो पावर बी आई सॉफ्टवेयर है इसको मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं जाता हूँ और इसको सबसे पहले इस पेज को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे जो है टाइम जो इन्वेस्ट ना करना पड़े और आप लोग का यहाँ पे समय बच सके। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डुप्लीकेट जो पेज है या शीट है इसको बना लिया है। ये कैसे बनाते हैं ये हम लोगों ने पहले प्ले लिस्ट के अंदर देखा हुआ है। इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, जाकर मैं यहाँ पर रीनेम पर टाइप कर लेता हूँ आज की जो हमारी क्लास है यूट्यूब की क्लास है हमारी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो रीनेम कर लेते हैं जिससे कि आप लोग को दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे यूट्यूब क्लास जो है वो यहाँ पे नोट कर लिया है। अब आप लोग देखिए यहाँ पर मैं सारे की सारी चीज़ों को यहाँ पे जो है पहले रिमूव कर देता हूँ, जिससे कि मुझे यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हैं स्लाइजर इसको मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। उसके बाद आप लोग देखिए हम लोग को यहाँ पे जो है टॉप 5 ग्राउंड्स है इसको भी मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। सारे के सारे फंक्शंस को एक एक करके हम लोग यहाँ पे रिमूव कर लेंगे और फिर से इसे बनाएंगे। यहाँ पर आप देखिए इसे भी मैंने यहाँ पे रिमूव कर लिया और इन सारे फंक्शंस को यहाँ पे एक एक करके हम लोग रिमूव जो है ऑप्शंस क्लिक कर लेते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे जो डेट इंडेक्स है इसको हम लोग को यहाँ पे बनाना होगा, तो इसको एक काम करता हूँ मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। हम लोग एकदम बेसिक से बनाते हैं इसे, तो सारे के सारे यहाँ पे जो फंक्शंस है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, केवल थीम को यहाँ पर रहने देता हूँ, जिससे कि हम लोग को यहाँ पे वापस से जो चीज़ें हैं उसे ना क्रिएट करना हो। इस तरीके से मैंने यहाँ पे थीम को बस रहने दिया है, बाकी सारे के सारे चीज़ों को मैं यहाँ पे रिमूव कर दिया है। सो हम लोग यहाँ पे डेट स्लाइजर सारे के सारे चीज़ों को मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए हमारे पास केवल और केवल थीम है और हमारे पास कोई भी विजुअल्स नहीं है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कंप्लीट ब्लैंक जो शीट है वो यहाँ पे है और केवल यहाँ पे थीम है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ स्लाइजर आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एम्प्टी सेक्शन मेरे पास यहाँ पे स्लाइजर का ओपन हो जाता है। इस स्लाइजर के सेक्शन में हमें जो ऐड करना है वो डेट को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे फील्ड के अंदर जाकर डेट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। आप लोग को यहाँ पे डेट का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, बट डेट का ऑप्शन किस तरीके से शो हो रहा है आपको यहाँ पर इस तरीके से शो हो रहा है, बट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए तो मुझे यहाँ पे जाना है ये जो आपको एरो बटन दिख रहा है इस एरो बटन पे क्लिक करना और ड्रॉप डाउन के जो ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे आपके ड्रॉप डाउन की डेट का फॉर्मेट यहाँ पे शो हो रहा है, आप कैसे भी यहाँ पे रख सकते हैं लेकिन मुझे यहाँ पे ईयर शो करना है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर जो यूज करूंगा यहाँ पे लिस्ट यूज करूंगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट के फॉर्मेट में जो है मेरा फंक्शन यहाँ पे शो हो रहा है। अब आप डेट के अंदर जाएंगे और डेट के अंदर जाकर आप यहाँ पर डेट की हिरार्की को क्लिक करेंगे। आप देखिए डेट की हिरार्की को मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे क्वार्टर की जरूरत नहीं है, मंथ की जरूरत नहीं है और डे की जरूरत नहीं है, और हिरार्की के फंक्शन को कैसे यूज करते हैं ये भी हमने देखा हुआ है। तो आप लोग को यहाँ पे जाना है और इस तरीके से स्लाइजर की सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल को क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेक्शन में जो शो कर रहा है हमारी की पूरी डेट यहाँ पे शो कर रही है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इसकी फॉर्मेटिंग पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे कि ये कैसे दिख रहा है। इसके लिए मैं आप लोग को यहाँ पे एक शॉर्टकट बता देता हूँ, जो मैंने कंप्लीट फॉर्मेटिंग कैसे करना है ये मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट के अंदर बताया हुआ है, लेकिन इसको हम लोग इसी तरीके से दिखाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे मैं जाता हूँ इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो आपका जो सेक्शन है जो मैंने स्लाइजर का सेक्शन है इसको क्लिक किया हुआ है और यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर पे मैं यहाँ पे जो है क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर जो है मेरा सेलेक्ट हो चुका है, मैं अनदर पेज पे आता हूँ और यहाँ पर आकर सेम टू सेम इसी जगह पे मैं आता हूँ जिसमें मुझे ये फॉर्मेट जो प्रिंटर है इसको यूज करना और यहाँ पे जाके मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे पूरा की पूरा वही फॉर्मेट मिल जाएगा जो फॉर्मेट ऑलरेडी वहाँ पे बना हुआ है। हम लोग इसको वापस से नहीं बना रहे क्योंकि पूरी प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग फॉर्मेटिंग और यहाँ पे कलर कैसे चेंज करते हैं ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे फॉर्मेटिंग की और विजुलाइजेशन की हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग प्रोजेक्ट पे फोकस करेंगे अभी। इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो स्लाइजर है बन चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार पीडीएफ को ओपन करता हूँ। पीडीएफ को ओपन करने के बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 1 पे चलता हूँ। हम लोग को यहाँ पे क्या करना है रन बाई टॉप 5 ग्राउंड दिखाना है। तो मुझे क्या करना होगा ग्राउंड शो करना होगा और मुझे यहाँ पे रन शो करना होगा। और ग्राउंड और रन को शो करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ये जो हमारे पास जो हमारा जो स्टैक बार चार्ट है उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। आप लोग को यहाँ पे स्टैक बार चार्ट शो हो रहा होगा और मुझे यहाँ पे ग्राउंड लाना है और रन लेके आना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे मुझे करना है। तो मैं यहाँ पे ग्राउंड को जो है वाई एक्सेस पे पुट अप करके देखता हूँ और आप लोग यहाँ पर रन को जो है एक्स एक्सेस पे पुट अप करके देखते हैं। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे पुट अप करने के बाद आप लोग को यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे रन जो है शो हो रहा है, रन बाय ग्राउंड यहाँ पे आप लोग को शो हो रहा है। इसकी भी फॉर्मेटिंग को हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। मैं जाता हूँ वापस से उसी पेज पे जिसपे मैंने ऑलरेडी पहले से यहाँ पे डिजाइन करके रखा हुआ है, इसको क्लिक करता हूँ।
और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे फॉर्मेटिंग मुझे फिर से ना करना पड़े, डिजाइनिंग फिर से ना करना पड़े, दैट्स वाई मैं यहाँ पे लाकर इसे जो है सेलेक्ट कर को पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर पूरा की पूरा जो है रन मुझे दिखा रहा है, बट मुझे क्या करना है, टॉप के जो रन है, टॉप 5 जो रन है उसी को मुझे यहाँ पे शो करना है। वो भी किसके खिलाफ यहाँ पे शो करना है, ग्राउंड के अकॉर्डिंग शो करना है। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोगों ने यह जो किया हुआ है रन बाय टॉप 5 ग्राउंड यहाँ पे शो किया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे रन बाय टॉप 5 ग्राउंड के लिए फिल्टर यूज करते हैं। फिल्टर से हम लोग को जाना है, फिल्टर में जाने के बाद हम लोग को यहाँ ग्राउंड के अंदर जाना है, ग्राउंड में जाके बेसिक फिल्टरिंग को चेंज करना है हम लोग को, टॉप एंड के अंदर जाना है। ये पूरी फिल्टरिंग भी मैंने आपको प्लेलिस्ट के अंदर बताई हुई है कैसे इसको यूज करते हैं। उसके बाद टॉप के अंदर जाके मैं 5 को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे एड डेटा फील्ड शेयर हम लोग को शो करना है, तो मैं यहाँ पे ग्राउंड को एड ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे अप्लाई फिल्टर को जो है सिलेक्ट कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर आप लोग के जो ग्राउंड के जो आउटपुट है, टॉप 5 ग्राउंड जो है वानखेड़े स्टेडियम, विशाखापट्टनम और यहाँ पे और कई सारे स्टेडियम यहाँ पे शो हो रहे हैं। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे जो रन बाय ग्राउंड है वो उसको यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जाके कि हम लोग को कौन से ईयर का जो है आउटपुट यहाँ पे मैच करना था, जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट सही में मैच हो रही है या नहीं हो रही है। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पीडीएफ को ओपन कर लिया है। पीडीएफ में आप लोग देखिए 2021 में रन बाय टॉप 5 ग्राउंड हम लोग को यहाँ पे शो करना है। सबसे पहले जो है 2021 में जो पुणे है 129 है, तो हम लोग सबसे पहले जाकर देखते हैं 2021 पे मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आउटपुट को हम लोग देखते हैं। यस करेक्ट, आउटपुट आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा है पुणे 129 रन, ये आपका विराट कोहली का टॉप 5 परफॉर्मेंस था। द ओवल के अंदर 94 रन थे, तो क्या यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर भी वही शो हो रहा है। यस, द ओवल यहाँ पे शो हो रहा है 94 रन का, और ये आपको एसक्यूएल के अंदर भी आप ये कर सकते हैं एसक्यूएल क्वारी लगा के। ओके, ये भी हम लोग देखेंगे, आपको ये एसक्यूएल के अंदर भी ये टेबल मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं वो एक विजुलाइजेशन टूल के थ्रू कर रहे हैं विदाउट किसी कोडिंग की हेल्प से। तो यहाँ पर थर्ड जो था हमारा यहाँ पे 57 रन था, फिर वानखेड़े के अंदर 36 रन था और नॉटिंगम के अंदर 0 रन था। तो क्या यही चीज यहाँ पे शो हुआ है? यस करेक्ट, रन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं वानखेड़े में 36 रन और नॉटिंगम में मेरा जो है 0 रन यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरीके से आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 1 जो है इसको यहाँ पे जो है सॉल्व करते हुए मिलते हैं। यदि आप ध्यान रखिए, यदि कोई मैच चल रहा है और यदि आप एक डेटा एनालिस्ट हैं और आपके ऊपर एक डिसीजन बन रहा है आपके स्किल्स के थ्रू, यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मीटर जो है जो शो हो रहा है, और इसी के थ्रू यदि कोच या फिर कोई टीम मेंबर या बीसीसीआई कोई डिसीजन लेना चाहता है, तो आप समझ सकते हैं एक डेटा एनालिस्ट का जो परफॉर्मेंस है या डेटा एनालिस्ट का जो प्रिडिक्शन है, या हो सकता है हम लोग इससे कोई प्रिडिक्शन लगाएं मशीन लर्निंग के अंदर जाके, तो हम लोग किसी भी चीज को यहाँ पे वर्क करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टूल्स को यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 1 था उसको यहाँ पर देखा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यदि मैं 2019 की भी यदि परफॉर्मेंस देखना चाहूँ तो यहाँ पर आप टॉप 5 परफॉर्मेंस देख पा रहे हैं। इसी तरीके से 2014 की या किसी भी ईयर की आप डेटा के अंदर जाकर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जो पॉसिबल नहीं हो पाता है हमारे इस कंप्लीट डेटा सेट में एक्सेल के या कॉलम फॉर्मेट में देखने के लिए। दैट्स वाई आप एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए यहाँ पर एक रिलेट कर सकते हैं एक रियल टाइम प्रोग्राम से, और इस तरीके से आप यहाँ पे टॉप परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि हम लोग का जो नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो हम लोग यहाँ पर कैसे एक विजुलाइजेशन टूल की हेल्प से यहाँ पर उसे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 1 जो है उसको हम लोग सॉल्व कर लिए, अब हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 2 जो है उसको यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो क्या कहता है, एनालाइजिंग विराट बैटिंग परफॉर्मेंस डेटा एंड शोन द ग्रेट परफॉर्मेंस मंथली क्वार्टरली एंड ईयर वाइज इन 2018। हमको 2018 के जो आउटपुट है क्वार्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना रन बनाया था फर्स्ट क्वार्टर, मतलब कि आप देखिए 12 मंथ्स होते हैं हमारे, ठीक है, वन ईयर के अंदर, और वन ईयर के अंदर हमारे जो होते हैं 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3-3 मंथ्स के जो होते हैं हमारे 1 से लेके 4 क्वार्टर्स होते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग को 2018 का जो डेटा है वो हम लोग को आउटपुट यहाँ पे शो करना है, जो आउटपुट हम लोग को मैच करना है। तो चलिए हम लोग इसके अंदर जो है सेकंड पार्ट बनाएंगे। हम लोगों ने यहाँ पर जो है फर्स्ट पार्ट बना लिया है, ये आप लोग देख सकते हैं स्लाइजर, और यहाँ पे हम लोग रन बाय टॉप 5 ग्राउंड यहाँ पे बना चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये वाला बनाएंगे जो हमारा जो टेबल दिख रहा है, इसको हम लोग यदि बना लेते हैं यहाँ पे तो हम लोगों को यहाँ पर कोई भी जो है आउटपुट जो देख पाएंगे। तो हम लोग को यहाँ 2018 का आउटपुट देखना है ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज और मंथ वाइज।
हम लोग यहाँ पर जो है एक टेबल जो है इसको यूज करेंगे। आप लोग को यहाँ पे टेबल आइकन दिख रहा है, इसको मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। मैंने टेबल आइकन पे क्लिक किया तो यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से ब्लैंक ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पर हम लोग को क्या रखना है, रन और डेट को यहाँ पे एड ऑन करना है। तो मैं यहाँ से डेट को उठाता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे और रन को भी यहाँ पे एड ऑन कर लेता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे जो टेबल बन रहा है ये बहुत बड़ा टेबल बन रहा है, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे क्या क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे जो है केवल ईयर और क्वार्टर्स चाहिए। तो मैं यहाँ पर डे और मंथ को यहाँ से जो है एलिमिनेट कर देता हूँ। एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, हमें पावर क्वेरी के अंदर जाकर जो है डेटा को नहीं करना एलिमिनेट, हम लोग यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करेंगे और केवल यहाँ पे कट का ऑप्शन है, इसको यहाँ पे जो है इसको रिमूव कर देंगे। तो आप लोग देखिए यहाँ पे जो डेटा आप लोग को शो हो रहा है अब केवल और केवल ईयर शो हो रहा है, क्वार्टर हो रहा है और रन शो हो रहा है। हम लोग इसकी फॉर्मेटिंग को उसी तरीके से करने के लिए, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर वापस से वो जो फॉर्मेटिंग पेंटर जो फंक्शन है उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। मैं वापस से अनदर पेज पे चले जाता हूँ जो पहले से मेरे पास यहाँ पे रेडी है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करता हूँ। फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करने के बाद मैं जो हमारे लोग जिस पेज पे काम कर रहे हैं यूट्यूब क्लास उसके अंदर जाकर मैं इसको जो है सिलेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो चुकी है। अब हम लोग देखते हैं हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो हमारा यहाँ पे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे पीडीएफ को ओपन करता हूँ और हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 2 के ऊपर। अब देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 बोलता है 2018 के अंदर फर्स्ट क्वार्टर जनवरी के अंदर रन बनाए थे विराट कोहली ने 286 रन और लास्ट हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट लास्ट दिखा रहा है 2735 टोटल रन। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 2018 को अप्लाई करके देखते हैं अपने स्लाइजर में। तो मैं यहाँ जाता हूँ 2018 पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर क्या आउटपुट शो हो रहा है, नहीं यहाँ पे आउटपुट हमारा जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर का शो तो जरूर हो रहा है लेकिन यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर है 871 यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पर। ओके हम लोग को मंथ भी शो करना है, ईयर क्वार्टर एंड मंथ भी शो करना है। मैंने मंथ को एलिमिनेट कर दिया है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ वापस से और यहाँ पर जो है ये जो आपका जो डेट वाला सेक्शन है इसको कट करता हूँ, वापस से डेट को यहाँ एड ऑन करता हूँ। डेट को मैं एड ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से डे को बस रिमूव करता हूँ। तो आप देखिए अब हमारा जो आउटपुट है वो सही आ रहा होगा, यस करेक्ट, ईयर भी आ गया, क्वार्टर भी आ गया, मंथ भी आ गया है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए ईयर क्वार्टर मंथ तीनों शो हो रहा है हमारे पास और 2018 के फर्स्ट क्वार्टर में 286 विराट कोहली ने यहाँ पे रन जो है यहाँ पे बनाए थे। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं, यस 2018 फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो रन थे 286 थे, सेकंड जो था यहाँ पे 585 था, फिर उसके बाद 9 रन थे, फिर 301 रन थे। तो क्या यही आउटपुट है यहाँ पे, यस 585, 9 और 301 रन और लास्ट में भी हम लोग देखते हैं 2735 है। तो क्या यही डेटा वहाँ पे भी मैच हो रहा है आउटपुट का, यस करेक्ट, सेम टू सेम सारा के सारा डेटा यहाँ पे वही मैच हो रहा है जो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट आउटपुट की चाहिए थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 2018 की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उसको भी सॉल्व कर लिया है इस टेबल की हेल्प से। और वैसे ही आप कई सारे यहाँ पे डेटा को देख सकते हैं, मैं केवल और केवल डिस्कस उसी प्रॉब्लम को कर रहा हूँ जो हमारी एक क्लाइंट की या एंड यूजर की डिमांड होगी या फिर आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम आउटपुट को। इसी को हम लोग सेम टू सेम एसक्यूएल के अंदर भी करेंगे, दैट्स वाई मैं यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट 4 लिया हुआ हूँ, यही 4 स्टेटमेंट हम लोग एसक्यूएल में भी लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 1 और प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 2 को यहाँ पर देख लिया है कि कैसे इसके अंदर हम लोग इसको जो है डेटा के विजुलाइजेशन को यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट करके शो कर पाते हैं। सो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 को यहाँ पर देख लिया। अब 3 की ओर बढ़ते हैं और प्रॉब्लम नंबर जो 3 है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 3 क्या कहती है हम लोग को यहाँ पर कि अपोजिट टीम, इन विच अपोजिट टीम डिड विराट हैव द मोस्ट टॉप 5 बैटिंग परफॉर्मेंस इन द ईयर 2021। हम लोग को क्या करना है 2021 ईयर के अंदर पहले तो एक अपोनेंट की टीम जो है वो अपोनेंट की टीम को यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट करना है, आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है, और मैक्सिमम ऑफ रन जो है वो हम लोग को यहाँ पे शो करना है। तो मैं यहाँ पर दो चीजें यूज करूंगा, एक मैं टेबल भी यूज करूंगा और एक स्कॉलर भी यूज करूंगा और देखेंगे दोनों की दोनों चीजों पर यहाँ पर जो है आउटपुट यही शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे मैक्सिमम रन और यहाँ पर अपोनेंट की टीम इन दोनों को यहाँ पे शो करना है। तो यहाँ पर डेटा विजुलाइजेशन टूल्स के अंदर हम लोग जाते हैं, डेटा विजुलाइजेशन टूल्स के अंदर मैं यहाँ पर यूज करूंगा स्कॉलर को। इस स्कॉलर को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो आप लोग को यहाँ पे ब्लैंक ऑप्शन ओपन हो चुका है।
स्कॉलर हम लोगों ने पहले देख लिया है यूनिट नंबर 9 के अंदर, जब मैं आप लोगों को कंप्लीट सीरीज पढ़ा रहा हूँ। यदि आप यहाँ पे लॉग इन करते हैं और आपके पास एक बिजनेस अकाउंट होता है तो आप यहाँ पे प्रीमियम वर्जन यूज कर सकते हैं, और भी कैट मोर विजुअल्स के आप लोग को यहाँ पर और भी मोर विजुअल्स मिल जाएंगे। तो आप, मैं यहाँ पे विजुअल यूज जो कर रहा हूँ, स्कॉलर यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ इसके अंदर कैटेगरी के अंदर, मैं यहाँ पे जो है मुझे क्या शो करना है, यहाँ पर मुझे अपोनेंट शो करना है, तो मैं यहाँ अपोनेंट को एड ऑन करता हूँ। यहाँ पे मेजर डेविएशन के अंदर मैं जो है रन को यहाँ पे शो करता हूँ। अब देखिए जो रन है आपका, यहाँ पर जो रन शो हो रहे हैं, यहाँ पे सारे के सारे रन जो है कंप्लीट शो हो रहे हैं, बट मुझे क्या करना है, मैक्सिमम रन यहाँ पे बताना है, ठीक है, 2021 के। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर आपको जो रन वाला जो सेक्शन है इस पे जो आपकी माउस इसकी लेफ्ट की दबाएंगे तो यहाँ पॉपअप ओपन हो जाता है। इसके अंदर आपको सम, एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम का ऑप्शन शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम पे सेलेक्ट कर दूंगा, जिससे कि जो रन मुझे स्कॉलर पे शो हो रहे हैं वो वही रन शो हो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं इंग्लैंड का जो है रन है 80 रन है, पाकिस्तान का 57 रन है, न्यूजीलैंड ने 44 रन है, और साउथ अफ्रीका जो अपोजिट टीम है जो विराट ने खेला है उसमें 35 रन, और स्कॉटलैंड पे 2 रन। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टॉप 5 स्कोर जो है देख पा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं हमारे जो नोट्स है उसके अंदर, इंग्लैंड के अंदर हमारा 80 रन यहाँ पे शो हो रहा है, तो क्या स्कॉलर के अंदर भी वही रन शो हो रहा है? यस, इंग्लैंड के अंदर 80 रन शो हो रहा है, पाकिस्तान का 57 रन और न्यूजीलैंड का 44 रन। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं पाकिस्तान का 57 रन, न्यूजीलैंड का 44 रन, यस करेक्ट, ये भी यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पर साउथ अफ्रीका का 35 रन आप लोग को शो हो रहा है और स्कॉटलैंड का 2 रन। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सारे के सारे चीजें, साउथ अफ्रीका का 35 रन और स्कॉटलैंड का 2 रन, ये दोनों भी यहाँ पे जो है शो हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि यही आपका आउटपुट आ रहा है जो हम लोग को यहाँ पे आउटपुट शो करना है। लेकिन आप ये जो आउटपुट को शो कर रहे हैं एक विजुलाइजेशन टूल के थ्रू यहाँ पे शो कर रहे हैं, ओके। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आउटपुट को मैच करते जा रहे हैं और एक केस स्टडी को यहाँ पे जो है देख पा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया टीम के जो कोच है उनको यहाँ पे डेटा को एनालिसिस करना है, और कई बार आप एक मैच के बीच में भी देखे होंगे कि बहुत सारे लोग लैपटॉप लेकर कोच के बाजू में बैठे होते हैं, वो एक तरह के डेटा एनालिस्ट होते हैं, ओके, जो आप लोग को वहां पर जो है एक डेटा को एनालिसिस करके आप एक रिजल्ट को देख सकते हैं कि आपको कौन से बॉलर के खिलाफ कौन सा जो है स्ट्रोक खेलना है, या फिर आप कौन से बॉलर, कौन से बैट्समैन के अपोजिट में देख सकते हैं कि कौन सा जो बैट्समैन है वो किस तरीके की बॉल पे आउट जो है आउट होता है, उसके आउट होने के जो लास्ट एनालिटिक्स है वो क्या है, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रिडिक्शन अप्लाई कर सकते हैं और उसके थ्रू आप अपने मैच में एक अच्छा परफॉर्मेंस को यहाँ पे अपने टीम से ले सकते हैं। तो इस तरीके से एक रियल टाइम एग्जाम्पल में एक डेटा एनालिस्ट और एक डेटा साइंटिस्ट वर्क करते हैं, जो आपको एक हिडन फ्रेम के अंदर, एक मैच के बैकग्राउंड के अंदर जाकर आप लोग को यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे एक बार फॉर्मेटिंग को भी अप्लाई कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए मुझे क्या करना है, वापस से जाके फॉर्मेट पेंटर को जो है उसे सेलेक्ट कर लेना है। ये जो आपका डेटा है, ये डेटा में आप लोग को एनालाइज करने में बहुत परेशानी हो जाएगी, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे डेटा एनालिस्ट के होने के नाते यहाँ पे विजुलाइजेशन टूल यूज करते हैं। जब हम लोग IPL का जो डैशबोर्ड देखेंगे उसमें हम लोग और ज्यादा प्रिडिक्शन लगाएंगे, हम लोग उसके अंदर मशीन लर्निंग और पाइथन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर भी देखेंगे और प्रिडिक्शन लगाएंगे कि कौन सी टीम इस साल का या नेक्स्ट ईयर का IPL जीत सकती है। तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, इसको जो है इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो सेलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट पेंटर को यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद अनदर इस पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे जो है फॉर्मेट पेंटर को अप्लाई कर देता हूँ। सो इस तरह से हम लोगों ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 3 को भी देख चुके हैं, अब हम लोग स्टेटमेंट नंबर 4 को देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 4 क्या कहती है, हाउ मेनी क्रिकेट मैचेस डिड विराट प्ले फॉर इंडिया इन द ईयर 2017, 18, 19 और 20। हम लोगों को कंप्लीट जो हमारा डेटा सेट है उसमें से आउटपुट जो शो करना है वो ये शो करना है 2017, 18, 19 और 20 में अपोनेंट के खिलाफ मैच कितने खेले हैं विराट ने। जैसे मान लीजिए आप देखिए यहाँ पे आउटपुट जो आपको मिलेगा 24 का आउटपुट मिलेगा, ठीक है, मतलब 2020 में विराट ने कम मैचेस खेले हैं, मतलब हो सकता है कि इस ईयर में उनको सर्जरी हुई हो, तो आप 2021 के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक डिसीजन ले सकते हैं कि विराट आने वाले मैचेस में खेलेंगे नहीं खेलेंगे, या फिर इसी तरीके से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका जो मैच है या फिर विराट किस ओवर में ज्यादा आउट होते हैं, उनका स्ट्राइक रेट क्या रहता है, उसी के साथ साथ आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी बॉल पे वो ज्यादा से ज्यादा आउट होते हैं, जो उनका एक फॉर्म को दिखाता है। एक बोर्ड के थ्रू आपको एक मीटिंग में एक डिसीजन लेना या फिर एक कोच के साथ बैठ के एक डेटा एनालिस्ट का एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ढूंढना, यही एक टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक स्पोर्ट्स के अंदर एक और एड ऑन पॉइंट को एड ऑन करता है, जो आज की डेट में यदि हम लोग ओलंपिक की बात करें
यदि हम लोग फुटबॉल में या सॉकर की बात करें या फिर हम लोग क्रिकेट की बात करें या किसी भी फील्ड की बात करें या बिजनेस की बात करें, मान लीजिए हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जैसे अडानी के स्टॉक का या स्टॉक मार्केट का या रिलायंस के स्टॉक का, तो हर जगह डेटा का ही यूजेज है, जिससे कि आप यहाँ पे रिलेट भी कर पाएंगे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ कि आपको कैसे डील करना है एक इंडस्ट्री के अंदर जाकर अपने इस कंप्लीट वर्क को। तो चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 4 को भी देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 1, 2, 3 तो हम लोगों ने देख लिया है, अब हम लोग 4 के लिए यूज करेंगे यहाँ पर एक कार्ड को, जिसमें मैं यहाँ पे एक कार्ड बनाऊंगा और इस कार्ड में शो करूंगा अपोनेंट मैचेस विराट ने कौन कौन से खेले हैं, और हम लोगों ने पहले ही यहाँ पे स्लाइजर बनाए हुए हैं 2017, 2018, 2019 और 2020 के, जिसको क्लिक करके हम लोग यहाँ पर आउटपुट को देख लेंगे। सो यहाँ पर हम लोग जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कार्ड को यहाँ पे एड ऑन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कार्ड को ले लिया है, आप लोग देखिए ये कार्ड को मैंने जैसे सेलेक्ट किया तो यहाँ पर जो मेरा ब्लैंक सेक्शन है वो यहाँ पे शो हो रहा है, और इस कार्ड के अंदर जो मुझे एड ऑन क्या करना होगा, टोटल जो मैचेस खेले हैं विराट ने वो हम लोग को मुझे यहाँ पे शो करना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ मैच का यहाँ पे फील्ड्स को, फील्ड्स के अंदर जो एड ऑन करता हूँ, और यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, काउंट को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे काउंट शो हो रहा है, मतलब 516 मैचेस विराट ने खेले हुए हैं। इस 516 मैच में 2017 के अंदर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर 52 मैचेस विराट ने खेले हुए हैं। तो मैं पहले यहाँ पे फॉर्मेटिंग को सेट कर देता हूँ जिससे कि हम लोग को यहाँ पे जो डैशबोर्ड अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट हो पाए। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और इसी फॉर्मेटिंग की फॉर्मेट प्रिंटर को सेलेक्ट करता हूँ, मैंने जो पहले से सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर को सेलेक्ट करता हूँ और इस कार्ड के ऊपर भी अप्लाई कर देता हूँ। तो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा 516 जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, तो मैं यहाँ पे कलर को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे कलर को चेंज करने के बाद आप लोग अच्छे तरीके से शो हो जाएगा। तो आप देखिए 516 यहाँ पे शो रहा है आप लोगों को, और जो हम लोग यहाँ पे जो 516 जो देख रहे हैं ओवरऑल मैचेस देख रहे हैं। अब हम लोग को आउटपुट पे जाते हैं, आउटपुट पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 4 जो है 2017 के अंदर 52 मैचेस विराट ने खेले हैं, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग को मिला है, और हमारा आउटपुट हम लोग को मिलना चाहिए 47 2018 के अंदर। तो इन दोनों को देखते हैं, 2017 के अंदर हम लोग जाते हैं, यहाँ पे 52 आप लोग को शो हो रहा है जो हमारे डेटा सेट में लिखा हुआ था, ये बिल्कुल करेक्ट है, 52 मैचेस इन्होंने खेला है। फिर 2018 के अंदर हम लोग जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं 47 यहाँ पे शो होना चाहिए, तो यहाँ पे 2018 के अंदर जो है 47 यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 47 हमारे डेटा सेट में लिखा हुआ था, 2019 में 46, 2020 में 42। तो 2019 में आप हम लोग देख लेते हैं 46 यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, 2019 से 46 यहाँ पे शो हो रहा है, 2020 में यहाँ पे जो है 24 शो हो रहा है। इस तरीके से हम लोग टोटल चारों प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पर हम लोग एक बार रिविजन कर लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 1 हम लोगों ने यहाँ पर देख चुका है टॉप 5 ग्राउंड के परफॉर्मेंस आप लोग को यहाँ पे शो हो रहे हैं। पुणे में सबसे ज्यादा इन्होंने रन बनाए थे, ये हम लोगों ने देख लिया 2021 के अंदर। स्टेटमेंट नंबर 2 के अंदर भी हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पर जो हम लोग टेबल क्रिएट किए थे इसको हम लोग टेबल के थ्रू यहाँ पे देखे हैं। इसके पहले जो हम लोगों ने ये देखा था ये हम लोग किसके थ्रू देखे थे आप लोग यहाँ पे मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा, ये हम लोग कॉलम के थ्रू देखे थे, लेकिन आप लोग को ये टेबल के थ्रू भी आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे अलग अलग विजुलाइजेशन टूल यूज किया हूँ जिससे कि मेरा जो विजुलाइजेशन इंटरफेस है अच्छे तरीके से शो हो। इसको हम लोगों ने स्कॉलर के थ्रू देखा था, ठीक है, इसको हम लोगों ने स्कॉलर के थ्रू देखा था। उसके बाद हम लोग जो है इसको हम लोग देखें एक कार्ड के थ्रू जो विजुलाइजेशन के फंक्शन यूज किए हैं, ये सब मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। इस तरीके से हम लोगों ने 4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यहाँ पे सॉल्व किया, और इस डैशबोर्ड में हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले स्लाइजर को बनाया है, फिर यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारा जो स्टैक कॉलम चार्ट है या कॉलम चार्ट हम लोग कह सकते हैं इसको हम लोगों ने बनाया है, यहाँ पे हम लोगों ने टेबल बनाया है, फिर हम लोगों ने यहाँ पे अपोनेंट जो मैचेस है वो बनाया है। अब हमारा जो पार्ट बच गया है स्कॉलर को भी हमने बना चुका है, ये हम लोग को मल्टी कार्ड बनाना है, हम लोग को यहाँ पे मैक्सिमम रन दिखाना है, एवरेज रन रेट दिखाना है, टोटल रन दिखाना है, उसी के साथ साथ हम लोग को यहाँ पे डेट का स्लाइजर यूज करना है। इसके थ्रू हम लोग कई सारे विजुलाइजेशन को यहाँ पे एनालिसिस कर पाएंगे और कई सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ हम लोग यहाँ पे डिसीजन बना पाएंगे। अब बारी आती है एसक्यूएल के अंदर जो हमारा जो डेटा है जिसको हम लोगों ने यहाँ पर जो कनेक्ट किया हुआ था उस डेटा में कोई चेंजेस आता है वो डेटा अपने आप अपडेट होते जाता, तो यहाँ पे हमारा जो डैशबोर्ड है डायनामिक हो जाएगा और कोई भी यहाँ पे अपडेटेड के साथ विराट के परफॉर्मेंस को यहाँ पर देख सकता है, जो हम लोग अधिकतर टीवी में या ब्रॉडकास्टिंग में भी देखते हैं एक परफॉर्मेंस को। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बना चुके हैं। यदि आपको और भी प्रोजेक्ट चाहिए तो आप हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा,
जिसके अंदर मैं कई सारे यहाँ पर जो है आप लोग को प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, कंप्लीट प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ एक डेटा एनालिस्ट के लिए। आप लोग को यहाँ पे साइन अप करना है एंड लॉग इन करना है। इसके अलावा यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग यहाँ पर जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग को यहाँ पर जो फ्री डेटा एनालिस्ट का कोर्स मिल जाएगा, इसके अंदर आप जाएंगे, या फिर आप लोग को यहाँ पे वर्कशॉप भी मिलेगी जिसके अंदर लाइव में आप लोग को पढ़ाऊंगा, और ये सारी चीजें हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे फ्री होगी। और इस तरीके से आप एनरोल कर सकते हैं और कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस को देख सकते हैं। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग यदि कोई भी डाउट है आपको तो आप इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप के द्वारा। आप लोग को यदि आप इसे यूट्यूब के अंदर देख रहे हैं तो आप लोग को यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक भी मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट होकर और सारे अपकमिंग वीडियोस के लिए आप वहां पर जाकर कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ, इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स की टीम के साथ। और हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए और जल्द से जल्द आप यहां पर जाकर इस कोर्स में एनरोल हो जाइए, जिसमें आपको आगे आने वाले लेक्चर में SQL के भी लेक्चर मिलेंगे, पाइथन के भी मिलेंगे, और भी कई सारे आप लोग को यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, डेटा सेट मिलेंगे, नोट्स मिलेगा और कई सारे यहाँ पे आपको हेल्पफुल फंक्शंस मिलेंगे। सो आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और हमने यहाँ पर इस डैशबोर्ड को एक अच्छा खासा फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट आपको हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा बहुत जल्दी, या फिर बहुत जल्दी मैं आपको यूट्यूब के अंदर भी इसे प्रोवाइड कर दूंगा। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे यहाँ पे इस मल्टीपल कार्ट को और इस डैशबोर्ड को कंप्लीट भी करेंगे, जिसके साथ ही साथ हम लोग SQL का जो सर्वर है उसमें कनेक्शन को भी चेंज करके देखेंगे कि वहां पे जो चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर भी क्या वो चेंजेस आ रहे हैं। सो पेशेंसफुली आपने सारे के सारे वीडियो हमारे देख लिए होंगे पावर बीआई की कंप्लीट सीरीज के। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ।